बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, घोड़ा नाच पंजाब का कल्चरल खेल है। असल में ये हमारे पंजाब का कल्चर है। गर्मी का जोर कम होते ही माह नवंबर और दिसंबर घोड़ा नाच अरूज पर हो जाता है। घोड़ा नाच प्रोग्राम के लिए बाकायदा से प्लानिंग की जाती है। घोड़ों को बाकायदा से तैयार करना शुरू कर दिया जाता है। अभी घोड़े के रखवाले भी एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि अब ये घोड़े ग्राउंड में जाने वाले हैं, जहां पर इनके मुकाबला होगा और जिसको देखने के लिए शायकीन बड़ी तादाद में और ताज़ीदारान बड़ी तादाद में, घोड़ा मालकान बड़ी तादाद में ग्राउंड का रुख करने वाले हैं। अक्टूबर में बहुत सारे प्रोग्राम हुए, मगर अब नवंबर शुरू हो चुका है और आ रहा है दरबार पीर नादर शाह किरमानी, इनके मेले पर होने वाला घोड़ा नाच। चौधरी अली हसन, जो कि मेला के बानी भी हैं और मेला में पार्टिसिपेट भी करना है, इसके लिए भरपूर तैयारी के मराहल शुरू हो चुके हैं। अली भाई, एक घोड़े को कितना टाइम दे रहे हैं ट्रेनिंग में? घोड़े पे डिपेंड करता है, घोड़े पे डिपेंड करता है। 15 मिनट भी ले जाता है, कोई घोड़ा है जो 3-4 मिनट में भी तैयार हो जाता है। ये प्रैक्टिस है, तैयारियां जा रही हैं। अभी ग्राउंड में जाने से पहले घोड़े को जो तैयारी करवाई जा रही है वो इस तरह से करवाई जाती है। बाकायदा घोड़ा भी है और शहनाई नवाज भी हैं साथ में। घोड़े की प्रैक्टिस तो कर ली है, मगर अब थोड़ा आराम भी तो करना है, हुक्का भी पीना है और साथ साथ घोड़े के दूसरे मामला भी देखने हैं। अभी चेक करना है कि घोड़े की नाल भी दुरुस्त है या नहीं। घोड़ों की ट्रेनिंग, देखभाल और थकावट, इसके बाद जाहिर है वक्त है आराम का। तो अभी आराम कहाँ, थोड़ी सी देर आराम के बाद मेहमानों के लिए खाना शुरू होगा और जो लोग रास्ते में हैं वो भी पहुंच जाएंगे यहाँ पर। अभी रात और पूरी रात भर में तैयारी और जश्न का समा होगा और इसके बाद कल ग्राउंड में मुकाबला शुरू हो जाएगा।